हर दिन का अलग नज़ारा होता है ये पहाड़ों का। आज क्या प्यारे लग रहे हैं, ऊपर सफ़ेद बादल, बीच में ब्लू लाइन और नीचे हरे भरे पहाड़, और उसके बाद ये चलता फिरता बढ़िया सा हाईवे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के दिन की करते हैं हम शुरुआत। और जैसा कि आप सबको पता है आज कितना बड़ा दिन है मेरे लिए और आप सभी बच्चों के लिए भी, जिनका आज से फाइनल का रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साइकिलिंग पे आ जाऊँ सुबह सुबह, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो फिर अभी टाइम हो चुके सुबह के 7 बजे, तो फिर चलो चलते हैं। मैं यहाँ तक तो आ चुका था और आगे देखते हैं थोड़ा सा और चलते हैं, फिर उसके बाद घर को निकलेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो फिर चलो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। नींद तो आ गई थी रात को, पर काफ़ी लेट आई थी, तो चलो जो भी है आज तो बड़ी एक्साइटमेंट में मैं उठ चुका हूँ। और अब आज पूरा दिन देखते हैं कैसा जाने वाला है, और दोपहर तक आ जाएगा रिजल्ट 2-3 बजे तक ऑलमोस्ट। तो चलो ओके। तो गाइज, और मैं देखो भाई आज क्या किस्मत है, मैं आ चुका हूँ यहाँ साइकिलिंग पे, ठीक है। और अभी कम से कम मैं 1-1.5 घंटा दूर घर से, और मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, और सुबह के 8 भी नहीं बजे और रिज़ल्ट आ चुका है अभी से पहले। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रिजल्ट रिएक्शन तो मैं कैप्चर करूँगा ही करूँगा, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो क्या करूँ, मैं तो फंस गया भाई, देखते हैं घर चलते हैं। और तो क्या ही है, और क्या घर जाके करेंगे भाई, अपने घर वालों के साथ देखेंगे और आराम आराम से घर चलते हैं। बाकी मेरे पैर इस टाइम पर बड़े कहाँ पर हैं और तो क्या ही बताऊँ मैं। तो आराम आराम से घर चलते हैं, घर पहुँचते हैं जल्दी से, और घर पहुँच के जल्दी से अपना रिजल्ट देखते हैं आराम आराम से। उससे पहले घर चलते हैं। तो गाइस आप देख नहीं सक पा रही है, पर मैं रिजल्ट नहीं खोलना चाहूँगा, अभी 10 किलोमीटर दूर हूँ मैं घर से। पहले घर पहुँचूंगा, फिर उसके बाद रिजल्ट देखूंगा, उससे पहले मैं रिजल्ट नहीं देखना चाहता, सच बता रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन भी एक तरीके से ना, मैं किसी का पिक करने वाला हूँ, जब तक घर नहीं पहुँचा जब तक रिजल्ट नहीं करना किसी भी दोस्त है किसी का। तो बस बड़े आराम आराम से जाएंगे, कोई मतलब जल्दी नहीं करनी है, घर आराम से पहुँचेंगे। पता लगे जल्दी जल्दी में मैं गिर गुड़ जाऊँ तो नहीं, बिल्कुल आराम से घर पहुँचेंगे। 1 घंटा लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिल की तसल्ली के साथ। पर रिजल्ट देखेंगे सबके साथ, सभी अभी घर पर ही होंगे, तो घर पहुँचते अब आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत। आ चुका हूँ घर पर, 1/2 घंटा लगा मुझे, और जब तक ठीक था रास्ते में, पर जैसे ही घर पहुंचा मैं धड़कने तेज हो गई दिल की, क्योंकि मम्मी रिजल्ट आ चुका है और मैंने अब तक देखा नहीं है। हाँ देखता हूँ अभी, और क्या 8 बजे आ गया था, खाना खुना खा लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद फिर नहा भी लिए थे, और अब हम जाते हैं बैंक में, काम है वहाँ जाकर आना है। मैनेजर मेरे साथ जा रहा है मिनी, और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट तो आता रहता है, दोबारा फिर आ जाएगा, इस बार अच्छा नहीं आता, क्यों हुई है कि नहीं, अगली बार अच्छा आ जाएगा फिर, है ना। तो बस अब चलते हैं बैंक। और व्लॉग्स की थोड़ी सी मुझे टेंशन है कि मैं कैसे मैनेज करूँ पढ़ाई के साथ व्लॉग्स। तो व्लॉग्स मैनेज करने के लिए मुझे किसी को ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, तो चलो वो तो देखते, चलो अभी फिलहाल काम करने चलते हैं अपने बैंक में। तीनों वाले के अभी सूट तो पापा लेके चले गए हैं, और इमिनी भी बैठ चुका है, तो जल्दी जल्दी हम भी बैठते हैं। तो अपना काम हो चुका है, और गाड़ी इतनी देर में भाई बहुत ही गर्म हो गई है, क्या तेज धूप पड़ रही है आज। तो हुआ ऐसा भाई, मैम ने कम से कम मुझे 10 बार साइन कराया, कहते साइन मैच कर, क्योंकि ये अकाउंट मैंने खुलाया हुआ है स्कूल टाइम का, कभी मैं 7th-8th क्लास में था, तो उसमें कुछ काम था, तो उसके बाद कम से कम भी 10 बार साइन किया मैंने, क्यों मैंने तो कम से कम 10 बार साइन किया, उसके बाद जाके साइन मैच हुए, और वो अपडेट कराने पड़ेंगे मुझे भी, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल ही 7th-8th क्लास वाले साइन है। तो चलो अब चलते हैं घर को, और गर्मी तो बहुत ही हो चुकी है भाई, बिल्कुल ही तेज़ धूप पड़ रही है इस टाइम पे यहाँ पे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तिंजोर आए और हमें जाम ना मिले, और क्या। और जाम तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ लगा ही रहता है भाई, यहाँ जाम ही जाम है यहाँ तो। ट्रैफिक मतलब कि जब स्लो मूविंग भी होता है ना, तो भी बहुत अच्छी बात है, हाँ भाई ट्रैफिक स्लो मूविंग है, वरना तो ऐसे ही फंसते रहो और चलते रहो आराम आराम से। और ये मम्मी डोसा की तैयारी कर रहे हैं, जो कल बनाना था पर कल बनाया नहीं था हमने, तो फिर अब आज बनाएंगे। तो इसको काफ़ी देर ऐसे ऐसे करना है आटे को, तो अभी इसको मैं ऐसे ऐसे करता हूँ काफ़ी देर तक। और ये डोसे के मसाले की सारी तैयारी हो गई, आलू पनीर हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और जिसमें हो गया पुदीना और कड़ी पत्ता। और मम्मी अब बनाएंगे पहले डोसे का मसाला। तो ये कॉफ़ी अपनी हो गई है रेडी, जो हमने दूध रखा था, अब इसकी बनाते हैं कॉफ़ी, और जल्दी से पीते हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी के फिर मैं थोड़ी देर जाकर आ रहा हूँ कॉफ़ी पार्टी के पास। और ये डोसा तो बन चुका है क्रिस्पी क्रिस्पी, एकदम से तैयार हो गया बढ़िया सा डोसा, है ना। खा तू गरम, खा ले गरम, बहुत ही ज़्यादा गरम है, क्या बढ़िया डोसा। शाम को भी फिर से बनाएंगे, अभी भी देख लो वैसे ऐसे ऐसे किया इसको गोल 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 गोल, बस ये फिर सीख जाएगा, उसके बाद डोसा तैयार हो जाएगा। और यहाँ से भी थोड़ा सा करते हैं हम टेस्ट, क्यों पिएगा दूध, खा ले क्यों। और ये मैंने गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसके डोसे में से डोसा खा लिया, कह रहा तूने क्यों खाया, खा ले अब तू, खा ले क्यों, खा ले चल फोन छोड़ उधर, क्यों क्यों खा लो तुम, आ जा चुपचाप खा ले। अपना एक और डोसा आ गया है, और ये मिनी फिर से आ गया नखरे, इसके पूरे हो चुके हैं, बस अभी खाएगा डोसा पूरा।
और ये भी खाते हैं, खाने में लगे हुए हैं। और मैंने खा लिया है डोसा, हाँ अभी मैंने खा लिया डोसा। और ये मिनी डेट शीट भी आ गई, आप लोगों ने बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था पापा को भी। 1 नवंबर से फिर से अपने पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को करना क्या, फिर से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं कुकी पार्लर के पास थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ा सा घूम कर आते हैं, अपना भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अब तो फिर अपने तसल्ली से बैठना ही है पढ़ने, है कि नहीं। तो चलो चलते हैं फिर। निकल चुके हैं और जरा आप स्काई तो देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है, क्या ही मतलब क्या ही फॉर्मेशन होती है बादलों की, कुछ भी बन जाता है भाई, हमें पता भी नहीं लगता बादल क्या बना देते हैं। देख सकते हैं स्काई कितना बढ़िया है आज, 1 नंबर का। और यहाँ पे हम आ गए हैं पैटी खाने, और हमें शिवांश भी मिल गया था, और कुकी पारुल तो अपने साथ रहते ही है। हाँ भाई, कुकी तो कल जा रहा है घर पे, परसों जाएगा, हो गया एग्जाम खत्म हो गया इसके कुकी। तो चलो ये पारुल बैठा है, इसके तो चल ही रहे हैं अभी, तो ये पैटी आ गई है, खा रहे हैं, ठीक है, सब खाते हैं पैटी फिर उसके बाद। और शाम भी होने को आई है, तो बस मौसम और बढ़िया हो गया है, ठीक है, आप भी देख होंगे कितना बढ़िया लग रहा है। शिवांश भी चल रहा है जल्दी जल्दी, ओके भाई बाय बाय। और कुकी पारुल को भी छोड़ दिया है, अब चलते हैं घर को, हम आ गए थे लाइट्स पे यहाँ पे, है ना, और 8-10 हुए हैं, तो फिर कुछ नहीं, बस 15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, फिर घर पे जाके बना हुआ डोसा डोसा खाएंगे। और पैटी मैंने हाफ पैक करा ली, क्योंकि मेरा पूरी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हाफ पैटी मैंने पैक करा लिया, तो अब चलते हैं घर पे। मैं घर पे तो आ चुका हूँ, और यहाँ पे लाइट नहीं है, और कितना अंधेरा और कितनी शांति है, मतलब कि आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही शांति है, और आसमान में तारे भी निकल रखे हैं आज, तो अच्छे है, ठीक है, मतलब कि बादल तो दिख रहे होंगे पर आपको तारे नहीं दिख रहे होंगे शायद अच्छे से, एक आधा दिख रहा होगा, बिल्कुल शांति है एकदम बढ़िया, और बिल्कुल लाइट भी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं मम्मी को डोसा बनाते बनाते छोड़ के गया था, और मम्मी डोसा ही बना रहे हैं मम्मी यहीं पे डोसा ही बना रहे हैं, है ना, कपड़े शायद चेंज हो गए, है ना, और मम्मी देख लो कितना डोसा बनाते हैं। अरे मतलब कि शाम को एक बार बनाए थे, तो फिर अब दोबारा डिनर के लिए बना रहे हैं, मैं तो 2 खाऊंगा, तो अपना डोसा डल चुका है मेरे को, ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला लूंगा। अरे इनके डाल दिया बोले, चटनी डाल दिया, मैं भी कह रहा था रंग कहाँ गया। ओ भाई मैंने आटा ही डाल दिया। हाय हाय क्या, और मैं आप बोल के गए थे ना, छोड़ ले उसमें डाल ले दूसरी प्लेट, तो अब गैस डाल दे चटनी। ऐसा दिमाग वहाँ घूम रहा है थोड़ा सा, तो घूम गई तो गाइस फाइनली अब मैं दूध पी रहा हूँ बैठ के, ठीक है, और जैसा कि आपने देखा कि तो जैसा कि आपने देखा फिर कैसा रहता है अपना आज का रिजल्ट का दिन, ठीक है, सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड था मैं और साइकिलिंग करने जा रहा था, पर उसके बाद से एकदम से मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, एक टाइम को लगा झटका, मतलब एक मतलब कुछ देर का था झटका, इन द सेंस कि मतलब यूँ नहीं कि हाँ भाई मैं उदास होकर बैठ गया, ऐसा कोई झटका नहीं, मतलब कि हाँ दिमाग में चल रहा था हाँ भाई हो जाएगा, हाँ उम्मीद हो जाएगा, पर चलो एक बार तो हुआ, थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए भी था, अब मतलब मम्मी पापा सबके लिए थोड़ी, हमारे सबके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, इवन पर मेरे फ्रेंड्स के लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, ठीक है, शॉकिंग सबके लिए था यार, अब हो जाता तो अच्छी बात थी, ठीक है। तो जैसा कि और बाकी कुछ बातें जो मैंने आपको अच्छी अच्छी बताई हैं, जो मेरी एग्ज़ाम रिजल्ट की वीडियो वाली है, रिएक्शन वाली, रिजल्ट की रिएक्शन में थोड़ी बहुत मैंने बातें बताई है, वो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और वो मैं इसमें भी अटैच कर चुका हूँ, तो फिर बस अब हमें फिर से तैयारी शुरू करनी है, अच्छे से पढ़ना है, और कल से मतलब कल आज मैं चला गया था शाम थोड़ा बहुत घूमने, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहेगा, बाकी व्लॉग भी बढ़िया बनाया आज मैंने, है ना, तो फिर घबराना नहीं है, पढ़ना है हमने, दोबारा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कहाँ बुक्स अपने पास है, अपना दिमाग अपने पास है, एक बार हमें पता लग चुका है हमारे में कहाँ कमी रह चुकी है, और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे पढ़ाई की। और डेट शीट आ चुकी है 1 नवंबर से है, तो ऑलमोस्ट 103 के आसपास रह गए, 105-10 के आसपास, तो फिर से अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, और सो आप सब भी पढ़ाई की शुरुआत कर दो, ठीक है, तो हम इस बार मिलके बढ़िया पढ़ेंगे, सब अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है, तो फिर आज इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है वो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और ज़रूर बनाऊंगा 1-2 दिन में, और उसके बाद पढ़ाई भी शुरू करते हैं आराम आराम से, तो फिर चलो आज के लिए करते हैं ख़त्म, और कल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ब्लॉग्स आएंगे, देखते हैं कैसे करेंगे मैनेज, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बंद तो ना हो, एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 तो रखेंगे आराम से, और जब तक होएगा तब तक रोज़ भी रखते रहेंगे, तो फिर चलो इसके लिए आज के ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, और सो जाते हैं दूध वगैरह पी के आराम से, और आज मैं बड़ा थक गया हूँ वैसे सच बताऊँ ना, तो भाई जो लोग आप लोगों ने आज प्यार दिया ना मेरी रिएक्शन वाली वीडियो पे,
सही में कह रहा हूँ, मैं बड़ा मन सा कुछ हो गया है, और कुछ एक दो भाई ने तो क्या ही बताऊँ, मैं इतना जोश बढ़ गया ना अंदर से कि बस। तो फिर ऐसे ही, बस ऐसे ही आप भी हमारा साथ देते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, सब एक साथ मिल के चलेंगे। और हाँ, डोसा भी आपने देखा कितना बढ़िया मम्मी ने बनाया है, तो फिर उसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो भी आज रह चुका है, वो नहीं बना पाया मैं इस गड़बड़ी में। तो फिर चलो करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड डोंट लूज होप, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, है ना, ऐसे ही हंसते रहो।